बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई, जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून हमने रोस्टेड जीरा लिया है, 2 टेबल स्पून हमने लाल पिसी मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा 2-3 चुटकी के करीब हमने कलर लिया है, और थोड़ा सा बिल्कुल 2 टेबल स्पून बेसन हमने लिया है, 1.5 टीस्पून नमक हमने लिया है, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें हमने ली हैं, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया हमने लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला हमने लिया है, और 4 नींबू का रस हमने लिया है। एक बार फिर से सभी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव के करीब हमने दही लिया है। अब हम चिकन टिक्का बनाने का स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर, काली मिर्चें, रोस्टेड जीरा, भुना हुआ जीरा, पिसी लाल मिर्चें, नमक, नींबू का रस, गरम मसाला, कलर, लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसन। सबसे पहले इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, सबसे पहले इन सब चीजों को इसमें दही डाल के आखिर में बिल्कुल इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मैरिनेट कर लेंगे अपने चिकन टिक्के को। उसके बाद हम चिकन टिक्के की कढ़ाई बनाएंगे। अच्छे तरीके से हो चुका है चिकन हमारा टिक्के के लिए मैरिनेट। अब हम इसमें कोयला लगा के कोयले की धुनी देंगे इसमें। इससे बहुत ही ज्यादा मजेदार सी बनती है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसके अंदर अपना कोयला डाल के इसकी अच्छे तरीके से धुनी देंगे और इसे 2 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करके। 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट करके रखे हुए। कोयले की बहुत अच्छी से खुशबू भी इसके अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इन चीजों का पानी भी निकल आया है। अब हम अपने टिक्को को फ्राई करेंगे। अब हम अपने गरम हुए हुए तेल में अपने टिक्को को डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक कवर करके एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसकी सिम चेंज करेंगे अपने टिक्को की। अब हम इसकी सिम चेंज करेंगे 10 मिनट तक, इसको दूसरे साइड से भी पकाएंगे। अब इसकी सिम चेंज करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है। बहुत ज्यादा मजेदार भी होते हैं और घर के बने हुए साफ सुथरे भी होते हैं। ये टिक्का कढ़ाई बनाने का हम आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका इसीलिए बता रहे हैं ताकि उससे वो लोग भी फायदा उठा सकें जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। दूसरी साइड से भी हो चुका है हमारा टिक्का। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर अपनी कढ़ाई बनाना टिक्का कढ़ाई बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम अपना ऑयल गरम करके उसमें थोड़ी सी बिल्कुल चॉप हुई हुई प्याज डालेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अपने टिक्का कढ़ाई बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं हम। अब हम इसके अंदर अपना दरमियाने साइज के 3 टमाटरों को हमने मोटा मोटा काट लिया है, इनको लेके अच्छे से नरम करेंगे। नमक डालेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून, लाल पिसी मिर्चे, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर अपना
दो प्याज है दरमियाने साइज की, इनको हमने अच्छे तरीके से पानी में पीस लिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक ढक्कन से कवर करके स्लो चूल्हे पे पकाएंगे। अच्छे तरीके से मसाला हमारा भुन चुका है, 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको और भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर इसको हम अपने टिक्के में शामिल करेंगे। हो चुका है ये बिल्कुल भुन के रेडी, इसका अच्छा खासा तेल भी निकल आया है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसे अपने टिक्के में शामिल करेंगे। अब हम अपने टिक्के के अंदर कढ़ाई बनाने के लिए मसाला शामिल करेंगे। अब हम अपनी टिक्का कढ़ाई को कम से कम भी नहीं तो 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक दम लगाएंगे अदरक डाल के। अदरक डाल के प्याज के लच्छे डाल के पांच मिनट तक हमने अदरक और प्याज डाल के अपनी कढ़ाई को टिक्का कढ़ाई को दम लगा लिया था। अब ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब हम ये निकाल के आपको दिखाते हैं कि हमारी टिक्का कढ़ाई कैसी बनी। हो चुकी है टिक्का कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिए। शुक्रिया।